साउंड कैमरा रोलिंग एक्शन। अरे क्या क्या नहीं हो गया, ये देखो इधर देखो, इंदिरा गांधी वाले 55 लाख का एक सिक्का है सर जी, 55 लाख का, यूट्यूब पे फेसबुक पे हर जगह पोस्ट है इसकी, ये देखो सर, ये जवाहरलाल नेहरू का, ये जवाहरलाल नेहरू का 55 लाख का सिक्का। ओहो सर पसीने आ गए, पंखा चलाने दो, 55 लाख का, हार्ट अटैक ना आ जाए। तो दोस्तों भाई ये 55 लाख के सिक्के भाई मेरे पास आ गए बहुत सारे, मैंने तो खरीद लिए, कितने रुपए में खरीदे वो नहीं बताऊंगा, बेच रहा हूँ भाई मैं 55 लाख के, बेच नहीं रहा हूँ भाई, मेरे को तो मिले हैं 55 लाख के, जानकारी मिली है मेरे को, यूट्यूब फेसबुक कई तरह की पोस्टें आ रही है, 55 लाख का इंदिरा गांधी का सिक्का, जवाहरलाल नेहरू का 55 लाख का सिक्का, कौन सा, बड़े वाला। तो दोस्तों आज की वीडियो भाई कई लोग, कई भाई, कई दोस्त ऐसे खुश हुए होंगे और उनकी ऐसे हार्ट बीट भी बढ़ी होगी, हमारी भी बढ़ गई भाई एक्टिंग कर करके, क्या करें, ये एक्टिंग इसलिए की क्योंकि आजकल जो वीडियो आ रही है काफी चल रही है कि भाई इंदिरा गांधी का जो सिक्का है वो है 55 लाख रुपए का, जो 1917 से जो उनका जीवन काल था 1984 तक, 1984 में जब ये सिक्का बना जो बॉम्बे मिंट का है ये भाई, दोस्तों पहली बात तो ये बना ही एक बार था, और ये सिक्का इतना चढ़ा दिया है इस सिक्के को, इस सिक्के के बारे में भाई कई दोस्त ना भाई बिल्कुल जानकारी के अभाव के कारण अपनी अज्ञानता बढ़ा लेते हैं, उनकी भी ऐसी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में ना हम यही जानकारी आपको देंगे कि इस सिक्के की असली वैल्यू क्या है और क्या इसमें खास बात है कि ये रेयर कॉइन है। और भाई फेसबुक पे तो मैंने इतनी पोस्टें देख ली, कोई नंबर भी दे रहा है व्हाट्सएप पे अपना, कोई अपनी कंपनी का नाम भी बता रहा है, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे दोस्तों। और जो चैनल पे नया है ना जो दोस्त, सब्सक्राइब कर लो भाई, यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट में तो एक्टिंग ही देखी होगी, लेकिन जो आप हमारे बताने का तरीका और जो बात सच है वो बताने, वो चीज देखेंगे आप अपने आप ही भाई, आपको पता लग जाएगा कि हमारा चैनल किस तरह से वीडियो बनाता है, किस तरह से सच्ची बातें दिखाता है, जानकार बनिए मूर्ख नहीं। तो दोस्तों अभी करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों देखा आपने भाई कैसे आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है भाई, फेसबुक यूट्यूब पर पता नहीं किस किस तरह की कैसी कैसी पोस्टें ऐसी आ रही है कि इंदिरा गांधी का जो 1984 का सिक्का है वो है 22 लाख, 25 लाख, मतलब अलग अलग तरह के लोग अलग अलग अपनी कैटेगरी बता रहे हैं, कोई 25 लाख का लेगा। एक पोस्ट तो मैंने ऐसी देखी उस पर लिखा हुआ था 55 लाख रुपए, बिल्कुल भी टाइम नहीं, एट द प्रेजेंट आपको अकाउंट में पैसे मिलेंगे, सिक्का हम अपने आप उठा लेंगे, सबके सब चोर है भाई, सबके सब चोर है भाई, सब चोर है दोस्तों। तभी मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं जानकार बनिए मूर्ख मत बनिए, जानकारी लीजिए आप जितने भी समय आपको जो भी लगे, जिस टाइम लगे आपको जानकारी लेनी है हमारा चैनल खोल के बैठ जाइए, हर एक सिक्के की अलग अलग तरह की विशेषताएं जानकारी ये हम देते रहते हैं, कहां भी बेचना भी है लेना भी है एग्जीबिशनों में जाइए भाई, भाई बहुत अच्छे अच्छे कलेक्टर भी बैठे हैं, जैसे कि मैं बताऊं आपको अच्छे लोग होते हैं, लेकिन आज का जो समय आ गया ना दोस्तों वो काफी बुरा आ गया। मैं एक बार आपको सिक्का दिखाता हूं ये, उसके बाद एक चीज बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज सुनना और अपनी लाइफ के अंदर ना उसको अप्लाई भी करना, काफी आपको उसमें सहायता मिलेगी। एक बार सिक्का दिखाता हूं मैं, ये देखिए जो ये सिक्का है दोस्तों, ये देखिए इंदिरा गांधी का सिक्का भाई, जो हमारे पास है ना ये अच्छी खासी कंडीशन में है दोस्तों, कोई थोड़ा सा डाउन है तो कोई थोड़ा सा अपर है, कोई यूएनसी का भी है। और इधर दिखाऊंगा मैं आपको, ये भी देखो ये कितनी बढ़िया इंदिरा गांधी का, ये कितने बढ़िया कंडीशन का सिक्का है दोस्तों, ये वाला देखिए यूएनसी कॉइन है ये। और इधर मैं दिखाता हूँ जी, ये देखिए जवाहरलाल नेहरू के सिक्के, ये देख लो दोस्तों, ये 1989 के हैं भाई, ये भी बॉम्बे मिंट के ही है। और ये सिक्के दोस्तों कीमत में आपको अगर बताऊं इसकी तो आप, एक बात बताता हूं मैं आपको, ये ना भाई लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्टमेंट है, छोटा सा एग्जांपल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे अपन म्यूचुअल फंड में भी यूज करते हैं, शेयर मार्केट भी करता है कोई, तो शेयर बढ़ जाते हैं, तो भाई ये जो कॉइन है ना आपके शौक को पूरा करता है, जो कि आपको शौक है पुराने सिक्कों को रखने का। दूसरा एक बिजनेस व्यू से देखेंगे हम इसको तो एक इन्वेस्टमेंट कॉइन है भाई, इसकी कीमत बढ़ेगी, इसकी आज की कीमत बताऊं मैं आपको,
इसकी आज की कीमत है भाई साहब, अगर यूएनसी कंडीशन में है ना, मैंने ये वाला सिक्का दिखाया था आपको, ये वाला अगर ये यूएनसी कंडीशन में है ना, उसकी 70 रुपए से 100 रुपए वैल्यू है। 70 रुपए से 100 रुपए, जो मैं अभी एक एक्टिंग करके आपको उछल उछल के कॉइन दिखा रहा था, 55 लाख 22 लाख करोड़पति हो गया, ऐसे ही उस तरह की जो गलत पोस्टें हैं, गलत वीडियो है, वो देखकर कई लोग इतने खुश हुए, उनकी आशाओं को ठेस पहुंची, उनको एक अंदर से जब उनको ये सच्चाई पता लगेगी ना, एक बार तो भाई मैं गंदा लगूंगा आपको ये देख के, लेकिन सच भाई कड़वा होता है, लेकिन सच पता हो ना तो आगे आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और अगर यही कॉइन आपके पास नॉर्मल कंडीशन में, मैं दोनों कॉइन की सेम प्राइस है, कोई 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है, सेम प्राइस है, यूएनसी कंडीशन में 70 से 100 रुपए, और इसकी अगर नॉर्मल कॉइन की बात करूं 35 से 40 रुपए, 35-40-45 नॉर्मल कॉइन की कंडीशन बहुत असर डालती है कॉइन के ऊपर, कंडीशन के ऊपर हमने वीडियो भी बनाई है, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देता हूँ, वो देख लेना। कोई क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम आईडी बता रहा हूँ डिस्प्ले पे, देख लीजिए sonu.love89। तो दोस्तों अब सुनाता हूँ, बताता हूँ मैं आपको वो जरूरी बात, आजकल इतनी मतलब लोगों के मतलब बैरूबी हो गए हैं दुनिया के अंदर, इतने चालाक लोग हो गए हैं, बहुत ज्यादा चालाकी होगी अभी व्यापार के अंदर, हर चीज के अंदर, रिश्तों के अंदर भी चालाकी होगी आजकल, इतने लोग बहुत ज्यादा, पता नहीं कैसा ये माहौल आ गया। एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको, किस्सा नहीं है ये एक रिवाज ही था, जो पुराने व्यापारी होते थे ना दोस्तों, वो व्यापार करते थे जैसे अपनी दुकान खोलते थे, किसी की किरियाना की थी, किरियाना की 2-4 दुकानें, कोई जूतों की थी, कोई कैसी थी, कोई कैसी थी, उनका इन्होंने एक रूल बना रखा था, जब वो दुकान खोलते थे ना तो वो अपनी एक कुर्सी खुद के लिए रखते थे, एक कुर्सी बाहर की तरफ रख देते थे ताकि कोई कस्टमर आए उस पर बैठे। जब ये सुनने वाली बात है, जो अब मेन पार्ट है उसका, जब वो कोई उसका पहला ग्राहक आता उसकी बोनी हो जाती थी ना और वो चला जाता था, जब दूसरा ग्राहक आता था तो वो बाहर निकल के ये देखता था कि कहीं किसी दुकानदार की कुर्सी बाहर तो नहीं पड़ी है। उसका एक मीनिंग था कुर्सी का कि जिस दुकानदार की बोनी नहीं हुई है ना सुबह सुबह अभी तक, तो वो कुर्सी उसके बाहर तब तक रहेगी, और जब दूसरे दुकानदार पे अगर उसके किसी ने देख ली कुर्सी पड़ी है, तो वो जो जिसके पास दूसरा कस्टमर आया था ना, वो कहता है उसको, भाई उस दुकान से सामान ले लो। इतनी मतलब एक अच्छा भाईचारा, एक अच्छा मतलब एक मैसेज भी है, सोशली मैसेज है ये चीजें, मतलब कितनी सोचते थे लोग अपने पड़ोसी से, अपने व्यापार के पड़ोसी से, अपने घर परिजनों के पड़ोसी से, पड़ोस से मतलब पड़ोस कहते हैं ना, घर परिवार से भी वो होता है भाई, पहले कोई भी इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले पड़ोसी उठ के आता है, ये अपनी सोशल लाइफ है। और ये मैं ये बताना चाहता था, पहले लोगों को इतनी चिंताएं होती थी, लेकिन आजकल तो मैं ले लूंगा, खरीद लूंगा, मैं ही बेचूंगा बस, ये चीज सगे भाई में भी ऐसी हो रही है। ये एक मेरा मैसेज था भाई, और आपको ये वीडियो मेरे इंदिरा गांधी कॉइन जवाहरलाल नेहरू की कैसी लगी, ये भाई जानकारी कड़वी है भाई आपके कईयों के, जिनको नहीं पता भाई लाखों करोड़ों का सिक्का था, ये मैंने आज बता दिया। आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, आपको ये अवेलेबल हो जाएगा सिक्का, जो रेट मैंने बताए हैं बिल्कुल बढ़िया कंडीशन का सिक्का, 100 रुपए का भाई, थोड़ा सा कम यानी 70 और 100 के बीच में, नॉर्मल जो साफ नहीं है सिक्का वो 35 से 40 पीछे बता दिया, बेच सकता है आराम से, और किसी को खरीदना बता देना भाई, डीएम कर देना, आपको मिल जाएगा ये सिक्का। लेकिन इस झूठी पोस्ट हो, ये जो झूठी पोस्ट से अपने है ना, इतने ख्याल मत वो करो, किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा एक किस्सा और आपको, ऐसा एक अच्छा सा, इन किस्सों को आप अगर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे ना, तो हम सब मिलजुल के रह सकते हैं, ना जाति से बटेंगे, ना धर्म से बटेंगे, रहेंगे एक राष्ट्र के। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।